आपने बहुत अच्छा किया माँ, हम आपकी और आपको ना उसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीम धमकी देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर दुला भाई उससे बात कर आए थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी उस गुंडे के मुंह लगने की? सच कहूं तो मुझे इसी बात का डर था कि किसी दिन वो तुमसे बदला ना ले अपनी बेइज्जती का। आप तो बहुत ही डरपोक हैं कुछ सियापी, और आप माहम आपी को भी डरा रही हैं। हम आपी ने कुछ गलत नहीं किया। निदा, तुम मामले की नजाकत को नहीं समझ सकती। अगर वो गुंडा माहम के साथ कुछ ऐसा वैसा कर देता तो ऐसे ही कर लेता। क्या हम अपना बचाव नहीं कर सकते? आप भी अब भुला भाई और अम्मी वाली बातें करने लग गई हैं। बचाव का मतलब खुद के लिए मुसीबत खड़ी करना नहीं होता। हम शरीफ लोग हैं, हम गुंडे बदमाशों से नहीं लड़ सकते। अगर हम उनसे लड़ेंगे तो लोग हमें भी गुंडा बदमाश समझेंगे। सुना नहीं दुला भाई क्या कह रहे थे? पूरा मोहल्ला हमारे मुतल्लिक बातें बना रहे। जब से माहम और उस गुंडे का झगड़ा हुआ है मुझे तो ये डर है कि आज भी किसी ने ना देख लिया हो, लोगों को एक और मौका मिल जाएगा बातें बनाने का। जैसा लग रहा है जिसको वही खड़े खड़े जान से मार देगा आप भी। उसकी आंखों में खून उतरा इतना उसे कि नफरत जैसे हम आपी वसीम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परेशान ना हो, उसका मकसद सिर्फ आपको खौफ सता करना है। आपने सबके सामने उसकी इंसल्ट जो की थी, आप बताएं, हर बार डरा धमका के चला जाता है और उस दिन भी अम्मी की डांट सुन के वो चला गया था ना, याद है आपको? अच्छा बहुत रात हो गई है, तुम दोनों सो जाओ। लाइट्स ऑफ कर लो प्लीज।